पौड़ी में एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों की मासिक अपराध समीक्षा की बैठक ली। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने और नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने की बात कही। वहीं साथ ही मानसून सीजन को देखते हुए आपदा की स्थिति में तत्काल बचाव कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ भी 15 दिन तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी ने बीते माह उत्कृष्ट कार्यों के लिए 18 पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित भी कर किया। पौड़ी से मुकेश पछेती की खास रिपोर्ट। आज जनपद पौड़ी की सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी की गई है, जिसमें जो भी हमारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हमारे केसेस वर्कआउट नहीं हुए हैं, उन पे डिस्कशन किया गया है और किन केसेस में हमें अरेस्टिंग करनी है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन के साथ जो हमारा जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है उनको डिस्कस किया गया है और आगे कैसे केसेस को डिस्पोजल किया जाए और आगामी महीनों में हमारे पास क्या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन किया गया है।